अब चाची वो धरा था पार धरा था मन तो करवा के चप्पल निकाल के बात करी दाई जी के अपने हम लोग नहीं देखे नहीं अब तो सिंधु सुन का नहीं नहीं विधायक सरस रास्ता वो तो एकदम ना आउत नहीं दीदी है मेरी बात पूरा विधवा पुरजिन का कागज मोहर मारे अभी आवाज विकास में गए कोई सुनवाई नहीं है मेरा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं कांट विधानसभा के शिवपुरवा मलिन बस्ती में आया हूँ और यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और कौन सी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। और जनता का नब्ज टटोलने सीधा मैं कांट विधानसभा में आया हूँ और यहाँ जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार किस मोर्चे पर सरकार खड़ा उतरेगी। फिलहाल वर्तमान में योगी सरकार कह रही है कि हमारी सरकार हर की दावे जो है कि हर रूप से सफल है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो उनके हर दावे असफल होते नजर आ रहे हैं। आइए मैं यहाँ के लोगों से बात करता हूँ। यहाँ मलिन बस्ती है, शिवपुरवा का मलिन बस्ती है, कैंट विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के विधायक और सभासद इन क्षेत्रवासियों के लिए क्या किया अब तक। क्या नाम है आपका? राधा। राधा, ये बताइए कि इस बार मुख्यमंत्री के देखे चाहे के मुख्यमंत्री बने जे बढ़िया काम करी वही के ना देखो भैया, जिंदगी भर तो देखते आओ थे सब लोग। योगी आदित्यनाथ का तुम कि हमारी सरकार बहुत बेहद तरीके से अच्छा काम कर रहा था, तो होगी सरकारों को मैं तो देखा थी गलिया नहीं बना था, गलिया ना बना था, कहाँ बना था, सब लोग आया है के देख देख के चल जाता है, उनके वोट ले लेंगे कहे नहीं अब बनाई बा बनाई, अब चाची वोट धरा था पार धरा था मन तो करा के चप्पल निकाल के बात करी गुस्सा। क्योंकि यहाँ के सभासद शशिकला जी है किसी स्तर पर सुनवाई नहीं करती है, लड़की बिटिया धोती उठा के चले फराक उठा के चले जाने का गोर रेखा तो जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप अपने विधायक हो चाहे सभासद हो किसी को हर लोग को अन्य लोगों को सुविधा पहुँचाना। अच्छा, आपका घर कहाँ है? हमारे घर जब अगला में देखा ये बताइए कि बरसात में किस तरह का तकलीफ का सामना करना पड़ा? अरे बरसात में ना जैसे लहरा नहीं गंगा माई वही तरह लहरा ला लाइटिंग के साथ है, समझा ना? हम लोग जैसा जैसा बितावा थे ना जानो यार, एक लोग हमारे चाची उनके सामने गोट टूट गल बेचारे का कितना दिन काम बंद कर ले रही, पूछा कल से ना कहा तो दिखा दी वीडियो रिकॉर्डिंग पर। तो यहाँ पे जो सभासद हैं शशिकला जी उनसे जाके कहिए कि हमारे वो लोग कभी ऐबा नहीं करतन भैया, वो लोग कभी ऐबा नहीं करतन, आज शशिकला जी घर जाने पर भी नहीं सुनती है, कुछ नहीं करती जाओ। नहीं नहीं यही कहती है कि गाड़े मरी भैया उसाने चुत मरैया वही वोट लेवे। दाई जी के अपने हम लोग नहीं देखे नहीं अब तो सिंधु सुन का नहीं नहीं विधायक सरस रास्ता वो तो एकदम ना आउत नहीं भैया, ना सिंधु देखे ना करे वो ना हुआ हो जल्दी यहाँ ना हुआ मत उलट बहुत ज्यादा देखे ना काहू सलमान ने रोहर हुआ सब खाटिंग बिरादर वो सब बहुत ढेर देखे ना जाऊँगा के डंगड़ू हो जाऊँगा के दस गीता का कान हो वो सब देखे ना जल्ला आप लोग कौन बोल रहा है 50 बरी सिंधु सरकार के हम कहली नहीं उनसे बात करवा बताइए इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव आ चुका है, किस मुद्दे पर जो है कि आप इस बार वोट डालेंगे? सही मुद्दे पर वोट डालना चाहेंगे कि लोग यहाँ का विकास करें, ये मलिन बस्ती है और मलिन बस्ती को देखते हुए यहाँ जो भी लोग आते हैं सिर्फ मलिन बस्ती के नाम पे देख के यहाँ सब लोग चला जाता है, सिर्फ वोट के लिए लोग आते हैं, ना ही यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था है, ना ही पे रोजगार का व्यवस्था है, किसी चीज की व्यवस्था यहाँ पे नहीं कुछ नहीं है। मेरा नाम गोविंद सोनकर है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। शशिकला सोनकर जी जी ये मेरे कास्ट की है, उसके बावजूद भी विकास नहीं करे आप लोग का, उसके बावजूद भी ये कहने को सिर्फ रह गया है कि वो हमारे कास्ट की है काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों के पास लोग जाते हैं वहाँ लोग काम करते हैं। आप शशिकला के पास गए, जब शशिकला जी के पास गए तो क्या बोले? सिंधु सोनकर घर गया था कई बार, मैं गली को लेकर मेरे पास मेरे गली में
मेरे गली में फीवर नहीं गया है, प्लीज को देख लीजिए, ये समस्या आ रही है। आज तक उन्होंने सिर्फ हम लोग को हिदायत दी कि हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। विधायक जी से आप मिले? जी मैं नहीं, विधायक जी से तो वहाँ तो आते ही नहीं, कभी देखते ही नहीं। विधायक 20-25-30 साल से यही एरिया का विधायक बने थे, कहे और देखो कौन विधायक हुआ, कैसे देखा था फोटोगा में, कभी आज तक हम जगह ला के लिए कौन विधायक हुआ। जब जयगु और मुख्यमंत्री का चुनाव वाला वोट जाले जयगू तो विधायक के डालू के डालू, चेहरा देख के डालू की भाजपा पार्टी देख के डालू। अरे चेहरा का जगह होगा, देखो जो हमारे गली बना दीजिए, हम क्या बढ़िया कर दी, सब कुछ अच्छा कर दी, देखो की जेकर नाम है वही का डाले भाव क्या करो। लेकिन सौरभ श्रीवास्तव अभी तक तुरे क्षेत्र में काम ना के लिए होना, 25-30 साल से उन्हीं के परिवार वाले कागज मोहर मारे, अभी आवाज विकास में गए, कोई सुनवाई नहीं है मेरा। जीवन घोड़ा के तरह रहा ना, वही तो चावल मिले थे, उनको राशन मिला गया, जिसके बाद में ये यहाँ के कंट्रोल वाले ये राशन भरे, इसको नहीं कहा। पांच लोग हैं घर में, भी पांच लोग नेता अमन मोदी की तरफ से। अरे भाजपा, अरे कहीं भी रहते वोट तो देंगे ना, वोट तो देंगे ना, कहीं भी रहते वोट तो देंगे। मुख्यमंत्री के अलावा तो कोई है ही नहीं, या सपा बने या योगी बने, दो ही चीज की लड़ाई है। तो आप किसे बेहतर समझते हैं, सपा को या योगी को? देखिए बेहतर इस समय तो कार समझिए कि भाजपा का ही हो रहा है, भाजपा का हो रहा है, भाजपा नहीं मांगा ही है। भाजपा के विधायक आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा, आप करें भाजपा के, भाजपा का जहाँ देखिए हर तरह से हर नज़रिया से देखा जाता है, ठीक है। जहाँ पे मतलब ऐसे लोग हैं वहाँ कार होता है, जहाँ मतलब छोटे वर्ग के लोग हैं वहाँ कार नहीं होता, वो चाहे किसी नेता। आपका घर कहाँ है? हमारा कैंट पे, कैंट पे है। आपके विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी है, वही है ना? तो बताइए उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या बेहतर किया है? भी नहीं, कुछ भी नहीं किया तो कभी वो आई ही नहीं। जब नहीं आए तो आपको विकास के तौर पर वोट देना चाहिए था कि पार्टी देखे वोट दे। सौ का सीधा बात सुन रहा है, राहुल वाला वन पांच आदमी का एक आदमी का काट कर चाची बात किया, कोई खा खा जा तुम को ही दिया गया। लेकिन भाजपा मेन चीज गली कुच्ची से लेकर के कभी समझिए कि विकास मतलब देखी नहीं। आपके बगल में नगर निगम है, यहाँ से 500 मीटर दूरी पर नगर निगम है, वहाँ की सड़कें इतनी सुंदर है और आप लोग के यहाँ के पर्सनल लोगों के लिए इतनी बुरी तरीके से लोग यहाँ पर अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप इस बार बताइए कि भाजपा ने इस स्तर पर काम क्यों नहीं किया, यहाँ के सभासद क्यों नहीं कर रहे, विधायक क्यों नहीं आ रहे हैं? जब कोई आई वह नहीं कर रहा तो किससे आदमी किससे नहीं बात कर, जैसे कि तो इस बार आपको बदलना चाहिए ना कि भैया आप सपा के जो विधायक थे ना उनको देंगे। मोदी का देवल जान था, मोदी अगर बढ़िया काम कर दें तो मोदी के देवल जान जिसे देख रही है वैसे ही दे, पहले गलिया तो बन जाए, लेकिन गली का पहले ना दे, कोई महल में समझ आई बता देती। पहले हम लोग का व्यवस्था गरीब आदमी का बनावा है, पूरा उलट पलट जाई बता देती। मैं हाँ बताइए, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी आज सभासद है मैं देख रहा हूँ हर जगह घूम के कि हर जगह जो भी इनके यहाँ चाहे ठाकुर हो चाहे बगल में चाहे जो भी विकास के हों जो अच्छे वीआईपी कॉलोनी में रह रहे हैं उनके यहाँ जबरदस्ती सड़क दोबारा उखाड़ के बनवाया जा रहा है, जो बढ़िया ले रहे हैं मतलब वो ले रहे हैं फायदा ले रहे हैं, जबरदस्ती सड़क उखाड़ के उस पर डमरू बिछ रहा है। मैंने जब कहा बोलने के लिए सर आइए सिर्फ 50 मीटर की गली है बनाने के लिए, अब मैं किसान डमरू लगा दीजिए, आप अगर कहेंगे तो मैं कुछ आप हेल्प करूंगा, सभी लोगों से मैं बोलूंगा कि आप लोग का मदद करें हेल्प करें, लेकिन वो लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई से कहा नहीं, मैं सिंधु सोनकर से कहा हूं, से कहा जी, उनके उनके हस्बैंड। ये बताइए कि यहाँ पे सभासद कोई दो बार बना है? जी है, एक बिंद जी थे वो बने हुए थे, उनको तो कोई मतलब ही नहीं था, इन सब चीजें थी, इन मोहल्ले से कोई मतलब नहीं था। तो जब मतलब नहीं था तो वो एक बार मान लीजिए चुनाव जीत गए, तो दोबारा कैसे जीते? जब दोबारा देखिए आप तो जानते ही हैं करप्शन कितना चल रहा है, और वोट के नाम पे सामने अगर वोट हो तो आपको सबको सबके सामने औकात सबकी पता चल जाएगी, सामने किसी को वोट होता ही नहीं। अरे वोट का है मोहर ठप्पा वाला निकाले ना, बचाव लाल सोनकर मोहर ठप्पा वाला। ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए, सबसे बेहतर किसकी सरकार बनेगी? सरकार किसी भी बने मगर हम लोग का मरीन बस्ती किसी को दिखाई नहीं दे रहा है,
चाहे जो भी नेता बन जाए। आप वोट दिए इस बार? हाँ वोट दिए हैं। वोट तो बराबर है, तो दिया गया है मोदी जी को दिया गया। विधायक कौन है? हमारे विधायक है सिंधु शंकर। सौरभ सौरभ श्रीवास्तव है, वो सभासद है। सौरभ कोई नहीं देख ले भैया यार, वो जवाब भी अच्छा नहीं आ रहा है। अरे काका पर ये आ गया ना, ये जो मार्ग ये आ गया, क्या आ गया ना, सब लोग दिखाएंगे। जवाब देने के बाद अपने लग जगह, वो तो वक्त बता देगा जवाब किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, किस तरह जवाब देंगे। हम जवाब दिया जाएगा उसको बताया जाता है, और किसको बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाएगा, कैसे बनेंगे, उस समझ आ गया। आप 30 साल से विधायक है, आपके मोहल्ले में विकास तक नहीं किए, झांकने नहीं आते हैं, नहीं पार्टी देख वोट देते हैं कि चेहरा देख के? हम लोग पार्टी देख के देखते हैं, मगर कोई सुने तब ना पार्टी देखते खाली बड़ा बड़ा बड़े बड़े लोग को देखते हैं कैसे आने जाने में उनको तकलीफ ना हो। हाँ जैसे जो लाइन लगा के जो देते हैं वोट बीच में खड़े होकर, उसको नहीं देखते हैं, जो आते हैं मारुति सुजुकी हैं और देकर चले जाएंगे, नहीं दिए चल जाएगा। और जो लाइन में धूप में खड़े हुए जो लाइन देते हैं और देते हैं, उनके गली में कभी जाएंगे नहीं, और आ जाते ही है तो दुनिया भर का नेता एक से अच्छे अच्छे विधायक चले आएंगे, सब आ जाएंगे, सब बन जाएगा। और जितने के बाद यहाँ दिखाई नहीं पड़ेंगे कि है कि क्या, हमारा मोहल्ला कौन सा है कौन सा नहीं है, बिजली है कि नहीं है, पटिया बिछा कि नहीं है, नाली बह रहा कि नहीं बह रहा है, उसको सुधारे कि ना सुधारे, आधा गड्ढा करवाए, कोई अपना प्राइवेट डाल के अपने मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करे, आप हमारे मत जुड़िए, कहेगा हमारे मत जुड़िए, सरकारी में क्या है। इस वक्त जो है कि हम कैंट विधानसभा के शिवपुरवा के मलिन बस्ती में आए हैं, यहाँ से 500 मीटर दूरी पर नगर निगम है, 500-700 मीटर दूरी पर। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम जो है कि योगी को वोट देंगे, और यहाँ के सभासद शशिकला जी कहती हैं कि हम इस बार चुनाव जीतेंगे तब जाके आप लोग का विकास करेंगे, आप लोग को हर तरह की सुविधा देंगे। अरे शशिकला जी नहीं सुनिए, कोई नहीं सुनेगा, नहीं नाली कभी दिखाई नहीं पड़ी है, बारिश में यहाँ पे स्थानीय लोगों को इतना दिक्कत होता है कि यहाँ पे मल तक बाहर निकल के चले आते हैं, यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सभासद के कहने पर, विधायक के कहने पर भी यहाँ पर किसी भी तरह का सुनवाई नहीं होता है। अब यह देखना है कि योगी सरकार, विकास के मुद्दे पर लड़ने वाली योगी सरकार अब किस तरह से दोबारा सत्ता बनाने के लिए अथक प्रयास करती है, क्या दोबारा सरकार बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती है। नमस्कार, धन्यवाद।